हेलो दोस्तों, आप सभी को वी एस पी मैथ मिसाल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज पार्ट। टेंस का पार्ट है, ऑब्जेक्टिव है टेंस, ठीक है। कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे समझने का, ओके। ये और कुछ रटने से तो नहीं होता है ना, कुछ चीज़ तो समझने से भी होता है। तो आप देखिए, कहीं कभी कभी समझ से ही काम चल जाती है, कभी रटने के बिना काम नहीं चलता है। तो आप लोग समझिएगा, कोशिश मैं करता हूँ समझाने का। अगर आपको समझ में आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके दोस्तों। चलिए, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब खाली जगह जो है, जो क्वेश्चन में दी गई है फॉर्म, उसको चूज करना है, मतलब उसको लिखना है कि कौन सा फॉर्म होगा, 1 2 3 4 जो भी फॉर्म हो उसको रखना। जैसे अगला वीडियो में बता चुके, इसमें कुछ बढ़ा गया था तो हम इसमें बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कैसे हम। ये खाली जगह कम हेयर एवरीडे, अब एवरीडे आ गया। एवरीडे का मतलब क्या होता है, प्रत्येक दिन। प्रेजेंट इंडेफिनिटेस बता रहा है, बता रहे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिटेस बता रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, क्या कम्स, ऑनेस्टी खाली जगह द बेस्ट पॉलिसी। तो देख रहे हैं बी है पोस्ट में। बी का मतलब क्या होता है, एक वीडियो मैंने छोड़ दिया था, देख लीजिए। बी का मतलब होता है एम इज वास वेयर वर इट इज, ठीक है। ये होता है बी का फॉर्म, ठीक है। बी वाज बीन भी होता है, ठीक है। तो इट इज सी, ठीक है, इट इज सी। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या लग सकता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ही ऑलवेज खाली जगह लेट, लेट है ना, तो लेट रोज में होंगे, वर्तमान में होंगे लेट, इसलिए क्या जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिटिव होगा तो कॉम्स लेट, क्या हो जाएगा, कॉम्स लेट। व्हेन खाली जगह ही अराइव, आई वाज रीडिंग अ बुक, क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, तो पहुंचे तो पास्ट में होंगे, जब पढ़ रहा था, ठीक है। तो ये पास्ट में, तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, ठीक है ना। अराइव, अराइव का क्या, अराइव हो जाएगा, मतलब कह रहा है कि ही, व्हेन ही अराइव्ड, जब मैं पहुंचा तो क्या कर रहा था, आई वाज रीडिंग, जब वो पहुंचा, ही व्हेन ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा तो क्या कर रहा था, आई वाज रीडिंग अ बुक, किताब, मैं किताब पढ़ रहा था, ठीक है। आगे चलिए, The T is, अभी क्या है, removal of to form a sentence. Sentence में remove to कैसे बनाते हैं, तो देखिए दोस्तों, इसका रूल क्या होता है, डबल टू को सो में बदलना है, टू को डैट में बदलना है, उसके बाद का फार्मूला कैन नॉट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार से इट का या ही का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है, देखिए कैसे बनाना है। द टी इज शो हॉट, ठीक है, डैट, अब ये फॉर्म ही है ना, इसके लिए यूज हो रहा है क्या, आई कैन नॉट टेक और इट, इट किसी लिए आया, टी के लिए आया है। द टी इज सो हॉट डैट आई कैन नॉट टेक इट, जो है ये वाले, ये टी के लिए आया है, और आई जो आया है ये मी के लिए बन गया है, ठीक है, सब्जेक्ट रूप में। आगे, इट इज सो हैप्पी टू बी लिफ्टेड, तो हम क्या करेंगे, इट इज सो हैप्पी डैट, ठीक है, इट कैन नॉट, ओके। नेक्स्ट देखिए, इट इज टू कोल्ड, अब इसमें तो डबल टू है नहीं, तो इसके लिए इसका अलग, इसको समझ लीजिए डायरेक्टली, इट इज एक्सेसिवली, ई एक्स ई डबल एस आई वी ई एल, एक्सेसिवली कोल्ड, ठीक है। जिस सेंटेंस में डबल टू नहीं है, देख लीजिए, इट इज टू कोल्ड, मतलब जिसमें एक ही वो सिंगल टी होता है, इट इज एक्सेसिवली कोल्ड, उसको आप इस चीज़ को अपना याद कर लीजिएगा, ठीक। मतलब यहाँ पर वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है जो मैंने बताया था कि टू और सो वाला, तो जहाँ रूल नहीं फॉलो करते तो वहाँ सेंटेंस को देख ध्यान रखिएगा, क्योंकि जरूरत होता है, हर कुछ रूल पर नहीं जाता, कुछ कुछ रूल से बाहर भी हो जाता है। एरन इज टू हार्ड टू ट्रस्ट, फिर यहाँ पर आ जाएगा, एरन इज सो हार्ड that, ठीक है, that it cannot touch, ठीक है, ये समझ आएगा। देखिए, आयरन का आयरन इज कैरी टू को सो बदल दिया, हॉट का हॉट रह गया, टू को डैट हो गया, और इट जो है ये आयरन के लिए है, इट कैन नॉट टच, ओके। नेक्स्ट, ही इज टू ओल्ड टू ब्रेक, यहाँ भी बनेगा,
ही इज सो ओल्ड डैट, और यहाँ पर क्या ही है तो ही हो जाएगा, ही कैन नॉट हुआ ही, इसके लिए ही इज क्या इज टू का टू ओल्ड का ओल्ड वो है ही ओल्ड का ओल्ड, और टू का डैट और ही जो है इस सब्जेक्ट के लिए ही कैन नॉट वॉक, ठीक है। नेक्स्ट ही सॉरी वी आर टू टायर्ड टू फ्ले, यहाँ वही होगा वी आर सो टायर्ड डैट, अब यहाँ पर वी है तो वी टायर्ड वी कैन नॉट प्ले वी कैन। देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। चलिए फिर अगली वीडियो मिलेंगे आप लोगों से, थैंक यू।